जबरदस्त मुकाबले तो बाद पुलिस ने पांच गैंगस्टर किए ने काबू। तीन पिस्टल, तीन मैगजीन, 11 जिंदा कारतूस ते गड्डी की बरामद। पहला भी 11 केस ने दर्ज। बीते दिनी बटाला पुलिस वालों डेरा बाबा नानक दे कहलां वाली चौंक विच गैंगस्टर नाल होई मुठभेड़ दौरान हुई फायरिंग विच एक गैंगस्टर जो जख्मी होया सी उस समेत पांच गैंगस्टर काबू किए गए हैं, जिन्हों को तीन पिस्टल, तीन मैगजीन, 11 जिंदा कारतूस समेत एक गड्डी भी काबू किए गए हैं। फड़े गए पंजा ही गैंगस्टर के पहला कुल 11 केस दर्ज ने अते पुलिस नूं काफ़ी समय तो लोड़ींदे सी। बडाला पुलिस के DSP मनिंदर पाल होना ने प्रेस कानफ्रेंस दौरान की कहा, आओ वेखदे हां रोहित गुप्ता गुरदासपुर की यह पूरी रिपोर्ट। यह साढ़े कोटली थाने के एक 59 नंबर FIR हुई सी 307 की। रात के समय एक दो तरह के लड़ाई हुई सी, गोलीबारी चली सी। उन्होंने सानू बंदे लुड़ेंदे सीगे, कुछ असी बंदे फड़दे सी। उहदे विच एक जिहड़ा मुखदोषी सी चरणप्रीत चन्ना, उहदी डैथ हो गई सी इस इंसीडेंट के विच। उहदे विच असीं वाधा जिहनूं 302 दा कर दित्ता सी। उहदा कल भोग सी, जदों कल भोग दे विचों सानू कोई इनफॉर्मेशन मिली कि आह फलाने बंदे इत्थे आए हुए ने, इन्हां दे कोल एक वैपनस कुछ वैपन है, तो असी उन्होंने उपर असी काम करना शुरू किया। SSP साहब के डायरैक्शन के मुताबिक जो उन्होंने सलाह दी, साड़ी CIA टीम, SHO डेरा बाबा नानक, DSP डी साहब जो सारे अपने अपनी फील्ड पोजिशन के आ गए, इन्हों पिछा करना शुरू किया। इन्होंने CIA इंचार्ज के उपर गोली फायरिंग की, गड्डी के उपर गोली फायरिंग की। दौराने फायरिंग जदों SHO डेरा बाबा नानक ने इन्हों चेस करने की कोशिश की, फिर इन बिटवीन मेरी गड्डी पिछे सी, मेरी गड्डी, मैं खुद आप गड्डी के बैठा हुआ सी। गड्डी ने चेस करते हुए पिंड कालांवाली के कोल जदों इन्ना को कंट्रोल नहीं रहा, गड्डी जदों इन्होंने राइट साइड तो मुड़न लगे तो इन्हों की गड्डी एक शॉप के हिट हो गई, जिद इन्हों इंजरी हुई। तो ये जो एयरबैग इन्हों खुल गए, इन्होंने अपने अपनी गड्डी छड़ के वैपन समेत भज गए। उस तो बाद जो इन्हों का पिछा करते हुए इन्होंने फिर जवाबी कार्रवाई के इन्होंने साढ़े उपर फायरिंग की, पुलिस पार्टी के उपर, सारे DSP डी साहब भी नाल सके सारे। तो आ इंसीडेंट है तकरीबन जिदा SHO जिदा CIA इंचार्ज दस साढ़े इन्हों के उपर दो फायरिंग हुई, जदों असी भी उत्थे पहुँचे ने साडे उपर भी फायरिंग हुई। मैं जो साडे वालों साडी टीम के वालों फायरिंग हुई है, तकरीबन 5-6 राउंड फायर हुए ने। तो इन्हां कोल जिहड़ी रिकवरी हुई ने तुहाडे सामने आ, एक 9mm पिस्टल आ, एक 32 बोर आ, एक 30 बोर आ। होर उम्मीद है कि इन्हां दे उपर देखो सारे सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है ने, सारे दे उपर 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे है ने। तो उम्मीद है कि इन्हां दा अगे फरदर मान लैके असीं इन्हां तो पुछगिछ करके होर भी खुलासे करने की कोशिश करांगे। जख्मी इहदे विच इक जिहड़ा एक शिवकरण मुंडा हैगा, जिहड़ा शिवकरण मुंडा ये बेसिकली जिहड़ा तिहाड़ जेल दे विच वी रह के आया होया वा, ये मेन दोषी ने। इन्हां दे पैर दे विच हिट हुई है गोली जदों ये साढ़े उपर गोली फायरिंग करके भज रहा सी पिंड वाले। नहीं, यह हले फरदर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जिदा भी सानू पता लगे तो कन्वे कर देंगे। गड्डी इन्हां को स्विफ्ट सी दिल्ली नंबर, हाँ जी, भोग दे चरणप्रीत चन्ना जी की डैथ हो गई सी एक पहलों, और भोग के उपर अज आए हुए थे, कल आए हुए थे। कुछ राउंड हुए हैं, कुछ वैपन्स भी 3 राउंड हुए हैं, राउंड भी नाल हुए, रिकवर हुए हैं जी। हम 3 रिकवर किए हैं, हम इन्होंने कोल 3 हथियार या 5 हथियार वो असी अगे तू जो भी अगे इन्हों की पुछगिछ के खुलासे हो कन्वे करा। चरणप्रीत का अच्छा नवी नगर कोटली थाने के पैदा, नवी नगर तलवंडी, नजायज ने जो हाले मुरली तफतीश के आया, नजायज ने नवी नगर, नवी नगर इंसीडेंट होया सी। इन्हां दा जिहड़ा पिंड कहड़ा, ये तलवंडी, तलवंडी। देखो जी जिदा साजनप्रीत है, इन्हां दे 3 मुकदमे ने, बाकी सारे 2-2 मुकदमे है ने, सारे हीनियस क्राइम ने, 307 आर्म्स एक्ट एंड सारे।